अच्छा, तो आज हमारे पास टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन की हम पढ़ रहे थे, ओके। सो टुडे आवर टॉपिक इज साइनेप्स। अच्छा, तो साइनेप्स जो होते हैं ना, इट्स अ जंक्शन बिटवीन, जंक्शन बिटवीन एग्जॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड किसके दरमियान हो सकते हैं? डेंड्राइड ऑफ अदर, ठीक है, डेंड्राइड ऑफ अदर न्यूरॉन, या हमारे पास किसी इफेक्टर के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, टू द इफेक्टर ऑफ अदर। अब इफेक्टर में हमारे पास क्या आ सकते हैं? इफेक्टर में हमारे पास ग्लैंड आ सकता है, इफेक्टर में हमारे पास मसल्स भी आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आते हैं, फिर हमारे पास साइनेप्स के जो है ना, दो किस्म के टाइप्स आ जाते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमारे पास जंक्शन बहुत ही छोटा होता है, 0.2 नैनोमीटर का होता है, बहुत ही शॉर्ट गैप होता है, और इसमें हमारे पास नो न्यूरो ट्रांसमीटर, कोई न्यूरो ट्रांसमीटर की हमारे पास ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। केमिकल साइनेप्स में हमारे पास गैप लार्जर होता है, ठीक है, कितने का होता है? ऑलमोस्ट 20 नैनोमीटर का हमारे पास होता है, ठीक है। साइनेप्स में किस तरह होता है? लेट सपोज हमारे पास ये एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन आ गया। नाउ हमारे पास ये सेकंड वन जो है ना, ये हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, या हम इसको रिसीविंग भी कह सकते हैं, और ऊपर वाले को हम ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके दरमियान हमारे पास यहाँ पे वेजिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ईच, फिर इस ईच वेजिकल में ना वो 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल मैसेंजर यानी न्यूरो ट्रांसमीटर के हमारे पास इन वेजिकल्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम आयंस के लिए वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स लगे हुए होते हैं, कैल्शियम आयन अंदर आते हैं हमारे पास, ठीक है, फिर ये वेजिकल जाते हैं यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस के जरिए हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। इस जगह को हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, हम इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक न्यू मेम्ब्रेन हो गए हमारे पास, ठीक है, ये दिस वन हमारे पास, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर यहाँ से जो आयन वगैरह रिलीज होते हैं ना, पोटाशियम आयन हो गया हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी गेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और रिसेप्टर जो मौजूद होते हैं ना उन न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए, वो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर लोकेटेड हियर, पोस्ट साइनेप्टिक पे हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। नो हमारे पास कैल्शियम आयन की वजह से ये वेजिकल आते हैं, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस की वजह से रिलीज होते हैं, फिर हमारे पास जो मैसेज होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में हमारे पास भेज दिया जाता है, ठीक है। इस जरिए से हमारे पास मैसेज जाता है एक जगह से दूसरे, फिर यहाँ पर डीपोलराइजेशन काज होती है, ठीक है। हाइपर डीपोलराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि बाहर नेगेटिव हो जाते हैं और अंदर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, नर्व इम्पल्स में, वो फिर इस तरह हमारे पास आता है। अच्छा, अब इसका हमारे पास जो मेन टॉपिक है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में हम आते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर के हमारे पास ऑलमोस्ट 100 टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर हैं हमारे पास, ठीक है, 100 टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। फर्स्ट वन अगर हम देख लेना उसके बिना पर, एक हमारे पास एक्साइटेटरी होते हैं। एक्साइटेटरी में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? एक्साइटेटरी में हमारे पास ग्लूटामेट आ जाता है, एक्साइटेटरी में हमारे पास बायोजेनिक एमाइंस आ जाते हैं, ठीक है, एक्साइटेटरी में ये हमारे पास आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बायोजेनिक एमाइंस। एक्साइटेटरी में हमारे पास एसिटाइल कोलिन आ जाता है, एसिटाइल कोलिन कहाँ पे? फॉर पेरिपरल नर्वस सिस्टम। और क्या आ जाता है कि एसिटाइल कोलिन का हमारे पास इनहिबिटरी भी होते हैं, लेकिन कहाँ पे इनहिबिटरी होते हैं? कार्डियक मसल में हमारे पास ये इनहिबिटरी तौर पर भी एक्ट करते हैं, स्केलेटल मसल में भी ये हमारे पास एक्साइटेटरी तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? सीरोटोनिन हमारे पास आ जाता है, हमारे पास डोपामिन आ जाता है, हमारे पास गाबा आ जाता है,
हमारे पास ग्लाइसिन आ जाता है, हमारे पास एंडोर्फिन आ जाता है, ठीक है, सारे हमारे पास इनहिबिटरी में हमारे पास आते हैं। एंडोर्फिन जो है ना, ये हमारे पास पेप्टाइड है, एक नेचुरल पेन किलर है, ठीक है, इट्स नेचुरल पेन किलर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हमारे पास टाइप्स हम लेते हैं, ठीक है, कंपोज हमारे पास वेजोडाइलेटर आ जाते हैं। वेजोडाइलेटर में हमारे पास कौन आ जाता है, वेजोडाइलेटर में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे पास, ये रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन, इट्स फंक्शन इज टू रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन। ये हमारे पास स्टोर नहीं होते, पूछे जा सकते कौन से हमारे पास स्टोर नहीं होते, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास डू नॉट स्टोर हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एमाइंस भी आ जाते हैं इसमें हमारे पास, ठीक है, एमाइंस हमारे पास आ जाते हैं। नो एमाइंस हमारे पास, एमाइंस में फिर हमारे पास आ जाते हैं कैटी कोलामाइन, ठीक है, सीएमाइन में हमारे पास सीरोटोनिन आ जाते हैं। सीरोटोनिन हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी में ये हमारे पास हेल्प करते हैं ना, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी में हमारे पास हेल्प करते हैं। अच्छा, केटोडोपामिन में फिर हमारे पास दो आते हैं ना, एड्रेनालिन हमारे पास आ जाते हैं और नॉन एड्रेनालिन भी हमारे पास आ जाता है। अच्छा, एक डोपामिन में पड़ा था ना, डोपामिन भी हमारे पास इसमें हेल्प करता है, ठीक है। फिनाइल एलानिन जो है ना, वो डोपामिन रिलीज करता है, डोपामिन भी हमारे पास इसमें हेल्प करते हैं। एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन हमारे पास डोपामिन जो होता है ना, ये इन पे भी एक्ट करते हैं, एड्रेनालिन पे भी एक्ट करते हैं, एड्रेनालिन फिर नॉन एड्रेनालिन पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जब यूज हो जाते हैं तो वो हमारे पास किसके जरिए पे रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जब यूज हो जाता है ना, इट इज रिलीज बाय एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस। एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस के जरिए ये रिलीज होता है, ये पूछे जा सकते हैं। एपिनेफ्रिन है वो हमारे पास, फिर एपिनेफ्रिन जब यूज हो जाए ये फिर हमारे पास किसके जरिए यूज रिमूव होता है, सो इट इज रिमूव बाय मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज के जरिए ये फिर हम रिमूव इसको करते हैं, ठीक है। एक यूज होता है सेरिन, वो हमारे पास क्या है, सेरिन इज नर्व गैस कहा जा सकते हैं, विच इज नर्व गैस, सो सेरिन जो है ना वो हमारे पास नर्व गैस है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मेन टॉपिक ब्रेन पे डिस्कशन करेंगे।